यूपी विधानसभा मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन। आज सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, जनहित के मुद्दे भी उठाए जाएंगे और विपक्ष के सदस्य, विपक्ष के जो नेतागण रहेंगे वो जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को उठाकर जाहिर तौर पर सरकार को घेरेंगे, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाएंगे। जनहित से जुड़े हुए कई मुद्दे आज सदन में रखे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज चौथा दिन है। पिछले तीन दिन भी जमकर हंगामा विपक्षी नेताओं की तरफ से किया गया था और आज भी सत्र के अंदर, सदन के अंदर हंगामे के पूरे पूरे आसार जताए जा रहे हैं। तो जनहित के मुद्दे उठाते हुए विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से जाहिर तौर पर आज एक बार फिर से हंगामा होने की पूरी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इस तरह के आसार नजर आ रहे हैं। विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन, मॉनसून सत्र चल रहा है, आज चौथा दिन है। अवनीश कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। अवनीश, आज किन किन मुद्दों को विपक्ष उठा सकता है और आज भी क्या हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं? कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिस पर विपक्ष सरकार को घेरता नजर आएगा? जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि जिस तरीके से विधानसभा का सत्र चल रहा है उसमें आज चौथा दिन है और आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 बजे सरकार का पक्ष भी रखेंगे, यानी पूरी तरह वक्तव्य होगा, पूरा जो निचोड़ होगा विधानसभा सत्र का उसको रखते हुए नजर आएंगे। उसके बाद अगर कहा जाए तो अतीक अहमद को लेकर जो न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट है उसको सरकार को सौंपा है और आज उसे जो है पटल पर रखा जाएगा। उसके बाद जो उसके बेटे की एनकाउंटर हुआ था उसकी भी रिपोर्ट आज जो पटल पर रखी जाएगी। तो आज खासा अहम दिन है और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बजट पर चर्चा होगी, जो रिपोर्ट रखे गए उस पर चर्चा होगी, जो विधेयक रखे गए, जो पास करवाए गए उस पर चर्चा होगी। तो 1 बजे का इंतजार करना होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में जब अपना वक्तव्य देंगे, अपना भाषण देंगे, तो उसमें हर मुद्दे पर वह बातचीत करेंगे और विपक्ष के हर सवाल का जवाब देते हुए दिखाई देंगे। तो आज काफ़ी जो रोचक है वह दिन है। ऐसे में कहीं ना कहीं आज सदन में हंगामा भी देखने को मिल सकता है और विपक्ष ने भी अपनी पूरी रणनीति तैयार करके रखी है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बोलेंगे तो विपक्ष की तरफ से भी कई सवाल उठाए जाएंगे। उसके बाद अतीक अहमद जो एनकाउंटर मामला था उसको लेकर सवाल भी उठाने की तैयारी है। विधानसभा अध्यक्ष ने भी कल इस बात को लेकर चिंता जाहिर की थी कि विपक्षी नेता वेल में आकर सिर्फ हंगामा करते नजर आए, जबकि जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर, जो विधेयक रखे गए थे सदन के पटल पर, उन पर चर्चा की जानी चाहिए थी। ऐसे में लग रहा है कि कोई असर पड़ेगा इस अपील का, इस रिक्वेस्ट का, कि लोग देख रहे हैं अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, आपका काम है चर्चा करना, चर्चा की बजाय आप सिर्फ हंगामा करते नजर आते हैं, क्या इसी मंशा के साथ विपक्ष पहुंचेगा आज भी? जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि जब भी विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है उसमें विपक्ष रणनीति बनाता है कि वह हर मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर विपक्ष सवाल खड़ा करता है और सरकार की तरफ से उचित जवाब नहीं मिलता है, यह इसको लेकर वह जो है अपना गुस्सा जाहिर करता है। और यही वजह है कि जब सदन की शुरुआत होती है तो अक्सर यह जो चर्चा है वह हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। जो बेल में आकर तमाम जो विपक्षी सदस्य हैं वह हंगामा करते हैं, वह जवाब देने के लिए दबाव बनाते हैं, सवाल पूछने के लिए दबाव बनाते हैं और अपनी मांगों को रखते हैं। तो उसी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष एक परंपरा का निर्वहन करते हैं और लगातार लोगों को समझाते हैं कि जो भी विषय है उस पर चर्चा होना अनिवार्य है, चर्चा में भाग लेना होगा। अगर विपक्ष उससे संतुष्ट नहीं होता है तो विपक्ष अक्सर देखने को मिलता है कि विपक्ष सदन का बहिष्कार कर देता है। उसके बाद हंगामा ही देखने को मिलेगा, नजर बनाए रखिएगा। अवनीश, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।